लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस का नया सर्कुलर, केवल कागजात के लिए वाहनों को ना रोका जाए, नियमों का उल्लंघन होने पर ही गाड़ी रोकी जाए। हेलमेट सीट बेल्ट न होने पर कार्रवाई करें, संकेतों को तोड़ने पर ही कार्रवाई हो, ये कहा गया है। अब नियमों का उल्लंघन होने पर ही गाड़ी को रोका जाए, ये कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर नियमों का उल्लंघन हो तभी आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यूपी ट्रैफिक पुलिस का नया सर्कुलर सामने आया है। संकेतों को तोड़ने पर या कुछ गड़बड़ी की जाती है चालक की तरफ से तभी गाड़ी को रोका जाए। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, यूपी ट्रैफिक पुलिस का नया सर्कुलर सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि केवल कागजात के लिए वाहन को ना रोका जाए, नियमों का उल्लंघन करे गाड़ी तब उसे रोका जाए। अनन्या, देखिए ट्रैफिक पुलिस को इस बात की शिकायत जो उच्च अधिकारी पे बैठे हैं उनको मिली थी कि ट्रैफिक पुलिस कागज के नाम पे जो है जो आम जनता है उसको परेशान कर रही, रोक रही है। तो इसको देखते हुए शासन ने तय किया है कि कागज के नाम पे जो गृह विभाग उसने तय किया कि पेपर के नाम पे किसी को न रोका जाए, किसी का चालान न किया जाए। अगर वो गलत रास्ते पे रूट पे जा रहा है या हेलमेट नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन अगर कागज के लिए रोका जा रहा है तो ये गलत है। इसके लिए जो DIG ट्रैफिक है राजेश मोदक ने उत्तर प्रदेश के सभी SSP और SP को एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि ठीक ढंग से निर्देशों का पालन किया जाए, साथ ही उसकी कॉपी DIG, IG और ADG जोन को भेज दी गई है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन इस बात का उसमें ये भी जिक्र किया गया है अगर गलत दिशा में गाड़ी चलाई जाती है, अगर हेलमेट नहीं लगाया जाता है, सीट बेल्ट नहीं बांधी जाती है, तो गाड़ी का चालान किया जाएगा और जो संबंधित कागजात भी देखे जा सकते हैं उस वक्त जब गलत दिशा में गाड़ी आपकी चलेगी। अगर गाड़ी सही रास्ते पे सारे नियमों का पालन कर रहा है तो सिर्फ कागज के नाम पे उसको रोक करके चालान नहीं किया जा सकता है, उसकी शिकायतें की गई थी, जिसके बाद DIG राजेश मोदक ने पत्र जारी करके इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उत्तर प्रदेश की SP और SSP को निर्देश दिए हैं। अनन्या, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखा जाए पूरे देश में जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, चालान काटे जा रहे हैं और भारी मात्रा में चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो नया यूपी ट्रैफिक पुलिस का नया सर्कुलर जारी किया गया है ये एक राहत की खबर है कि आप संकेतों को तोड़ेंगे और उसके बाद अगर हेलमेट या सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है तो आप पर कार्रवाई होगी। जी, थोड़ा बहुत लोगों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उस समय उनको कागज भी दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वो नियम का उल्लंघन करते हैं तो कागज के लिए उनको जुर्माना लगना, पेपर का वो नहीं लगे, तब सारे जुर्माने उनके ऊपर लगा सकती है ट्रैफिक पुलिस। अगर पेपर नहीं होंगे तो उसके भी लगेंगे, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन नहीं करता, संकेतों का, गलत रास्ते में गाड़ी उसकी नहीं जाती है या ट्रैफिक नियमों का पालन करता है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने 2 दिन पहले भी संकेत दिए हैं इसके नियमों में उत्तर प्रदेश सरकार ढील देगी और जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें जो ट्रैफिक नियमों का जो एक तरीके से जो किया गया है उसको देखते हुए उसको धनराशि जो है वो कम करने पे उत्तर प्रदेश सरकार विचार करेगी। और इस तय किया कि अगर तत्काल जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि अगर जुर्माना की जो राशि है लगाई जाती है, अगर तत्काल दिया जाता है तो उसके जुर्माने की राशि कम की जा सकती है। अगर उस वक्त वो जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा, अगर कोर्ट से होगा तो पूरे जुर्माने की राशि अदा की जाएगी। हालांकि अभी इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन जल्द ही इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसमें संशोधन करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है जिसपे मंथन चल रहा है। हालांकि उससे आज पहले DIG राजेश मोदक ने इस खासकर जो कागज संबंधी कोई शिकायतें काफी ज्यादा हो रही थी कि उसके नाम पे रोक करके चालान किया जा रहा है उसमें थोड़ा ढील दिया है। अगर पेपर व्यक्ति पर किसी भी ड्राइवर के पास नहीं जो चला रहा है तो उसका चालान नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।